अच्छा जी, डिसएडवांटेजेस भी देख लिए नेचुरल एडहेसिव्स के। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम हमारा जी मॉडिफाइड एडहेसिव्स। ट्रीटिंग द नेचुरल एडहेसिव्स विद सम केमिकल्स प्रोड्यूसेस मॉडिफाइड एडहेसिव्स। ठीक है, तो जो नेचुरल एडहेसिव्स होते हैं उनको कुछ केमिकल्स के जरिए ट्रीट करवा के जो हमारे पास प्रोडक्ट हासिल होती है उसे मॉडिफाइड एडहेसिव्स कहा जाता है। इसमें मॉडिफाइड स्टार्च और सीएमसी कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज शामिल होते हैं। तो सबसे पहले मॉडिफाइड स्टार्च देखते हैं। द कमर्शली अवेलेबल ग्रेड्स ऑफ मेज स्टार्च आर पेनिट्रोज 5500, पेनिट्रोज 5100 एंड एमिडोल। तो ये कमर्शियल अवेलेबल जो स्टार्च के हैं जी ग्रेड्स वो ये हैं, ये एमिडोल हो गया, पेनिट्रोज हो गया, पेनिट्रोज 50। मुख्तलिफ जो मॉडिफाइड स्टार्च के ग्रेड हैं वो यहाँ शो किए गए हैं। होता क्या है इसमें, इट इज़ हाइड्रोलाइज स्टार्च, इजीली सॉल्युबल इन वाटर एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड, पेनिट्रेशन इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है जी, जान के अंदर पेनिट्रेशन अच्छी होती है। लो एंड स्टेबल विस्कोसिटी, विस्कोसिटी बहुत हाई नहीं है। गिव हायर कंसंट्रेशन विद लो विस्कोसिटी, तो लो विस्कोसिटी के साथ इसकी कंसंट्रेशन काफ़ी हाई होती है। एडहेसिवनेस इज नॉट सो गुड, सो यूज विद पीवीए। अब इसकी जो एडहेसिवनेस है, जो इसकी बॉन्डिंग है यान के साथ, वो इतनी अच्छी नहीं होती। सो इट इज़ यूज विद कम्बिनेशन ऑफ पीवीए, तो पीवीए के कम्बिनेशन के साथ इसको डाला जाता है। पीवीए क्या होता है वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। नेक्स्ट है जी सीएमसी कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, इट इज़ जनरली सोल्ड एज सोडियम साल्ट एंड इज कॉल्ड सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, तो इसको एस सी एम सी भी कहते हैं। प्रेपरेशन कैसे करते हैं जी, द मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सी एम सी कंसिस्ट ऑफ द इम्प्रिग्नेटिंग सेलुलोज डिराइव फ्रॉम वुड पल्प विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अल्कली सेलुलोज। तो जो वुड पल्प से लकड़ी से, ठीक है, लकड़ी का अंदर वाला जो वुड का जो अंदर वाला हिस्सा होता है दरख्तों का, उसको पल्प कहते हैं, वुड पल्प कहते हैं, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कराया जाता है तो अल्कली सेलुलोज हमारे पास बन जाता है। इट इज़ एंड ट्रीटेड विद मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है जी, सोडियम मोनोक्लोरोएसिटेट बन जाता है जिससे टू प्रोड्यूस सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। अच्छा, मोनोक्लोरिक एसिटिक एसिड से जिसको सोडियम मोनोक्लोरोएसिटेट भी कहा जाता है, उसके साथ इसको उसके बाद ट्रीट कराया जाता है तो कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज बन जाती है। देन सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट, सोडियम क्लोराइड भी इसमें हासिल होती है एज अ बाय प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर न्यूट्रलाइजिंग एंड ड्राइंग द रिएक्शन मास। ये वैसे तो प्रिपरेशन की इतनी ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन जस्ट थोड़े से आइडिया के लिए आपको बता रहा हूँ। ये इसका फार्मूला होता है बेसिकली, वुड पल्प सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको ट्रीट किया, देन मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड जैसे यहाँ पर बताया गया स्टेप वाइज, तो हमारे पास सोडियम सी एम सी हासिल हो जाए। प्रॉपर्टीज इसकी क्या हैं, द सी एम सी हैज मीडियम एंड स्टेबल विस्कोसिटी, इट गिव्स अ क्लियर फिल्म विच इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड फेयरली फ्लेक्सीबल, इट हैज अ टेंडेंसी टू अब्जॉर्ब एंड होल्ड मॉइस्चर। वाटर लविंग भी है, वाटर को अब्जॉर्ब भी कर सकती है, हाइग्रोस्कोपिक है बेसिकली, और होल्ड भी करके रखती है वाटर को। इट इज़ मोर रेजिस्टेंट टू बायोलॉजिकल अटैक, तो बायोलॉजिकल अटैक इस पर जल्दी नहीं होते, मसलन फंगस नहीं लगती या बैक्टीरिया अटैक नहीं करता। सी एम सी इज इजीली डिसाइज्ड सिंस इट हैज़ हाई वाटर सॉलिबिलिटी, इसको इजीली डिसाइज किया जा सकता है, एंजाइम्स नहीं चाहिए होते क्योंकि इसमें वाटर सॉलिबिलिटी इसकी अच्छी होती है, तो वाटर में ये क्योंकि सॉलुबल है तो इसीलिए इजीली ये रिमूव भी हो जाती है फैब्रिक से। सूटेबल फॉर सिंथेटिक एंड ब्लेंडेड यार्न, सिंथेटिक और ब्लेंडेड यार्न के लिए सूटेबल है। कॉस्ट इज हायर देन मेज स्टार्च, इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है मेज स्टार्च की निस्बत। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारा सिंथेटिक एडहेसिव्स। ठीक है, तो तीन हमने एडहेसिव्स की टाइप्स देखी थी, नेचुरल, मॉडिफाइड और थर्ड है सिंथेटिक। दीज आर सिंथेसाइज्ड पॉलीमर्स एंड आर यूज्ड फॉर नेचुरल एंड सिंथेटिक यार्न्स।
अच्छा, नेचुरल को जो चेंज जो बिल्कुल कुदरती फॉर्म में होते हैं उनको नेचुरल कहते हैं, उनको उन्हीं नेचुरल को कुदरती को किसी चीज़ से ट्रीट करवा के जो बनाए जाते हैं उनको मॉडिफाइड कहते हैं, ठीक है। और जो सिंथेटिक होते हैं टोटली हम खुद से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, केमिकल्स के थ्रू। और ये नेचुरल और सिंथेटिक यहाँ के लिए यूज़ करते हैं, इनमें पहला है जी पॉलीविनाइल अल्कोहल जिसे पीवीए भी कहते हैं, देन एक्रेलिक पॉलीमर्स होते हैं। पीवीए देखते हैं क्या होता है जी, पॉलीविनाइल अल्कोहल, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एडहेसिव यूज इन साइजिंग प्रोड्यूस्ड बाय अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। तो ये सेकेंड लार्जेस्ट एडहेसिव है, फर्स्ट कौन सा है, मॉडिफाइड स्टार्च। फर्स्ट फिनाइल एसिटेट इज मेड फ्रॉम एस्टिक एसिड। अब ये प्रिपरेशन है, इसकी कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले विनाइल एसिटेट इज मेड फ्रॉम एस्टिक एसिड एंड एसिटाइलीन एंड देन पॉलीमराइज टू पॉलीविनाइल एसिटेट। उसके बाद इट इज देन डिजॉल्व इन सॉल्वेंट एंड हाइड्रोलाइज बाय यूज ऑफ ईथर एंड एसिड और अल्कलाइन कैटलिस्ट। पॉलीविनाइल अल्कोहल बीइंग इनसॉल्युबल इन मेथनॉल प्रेसिपिटेट्स आउट, ठीक है। अब ये क्योंकि इनसॉल्युबल होता है तो ये मेथनॉल में, तो ये प्रेसिपिटेट्स हो गए, ये हमारे पास पाउडर फॉर्म में हासिल हो जाता है। इट इज देन फिल्टर्ड वॉश एंड इट इज देन फिल्टर्ड वॉश ड्राइड एंड पैक्ड। तो उसके बाद इसको फिल्टर करते हैं, वॉश करते हैं, ड्राई और पैक कर लेते हैं। ये अगर देखें इस तरह की बैग की शेप में इसकी पैकिंग होती है और ये पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है। नॉर्मली 20 kg की पैकिंग होती है इसकी, आप बैग के ऊपर भी देख सकते हैं। अब इसके मुख्तलिफ ब्रांड हैं मार्केट में पॉलीविनाइल अल्कोहल के। देन जी इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं जी, अवेलेबल इन पाउडर फॉर्म मॉइस्चर रिगेन इज 2 to 6%, कॉस्ट इज 135। ये बहुत पुरानी कॉस्ट है, आप तो ये मेरे ख्याल में 400-500 रुपये पर केजी होगा। यूज फॉर लार्ज रेंज ऑफ टेक्सटाइल्स कॉटन पोलिएस्टर एंड विस्कस, इन सब के लिए यूज होता है। सॉलुबल इन वाटर एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे वाटर सॉलुबल है ये। अवेलेबल इन डिफरेंट विस्कोसिटीज, लो मीडियम हाई, तो मुख्तलिफ तरह की ये विस्कोसिटीज में भी अवेलेबल होता है। हाई स्टिकनेस एंड हाई स्ट्रेंथ, स्टिकनेस बहुत अच्छी है इसकी, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। गुड फिल्म फ्लेक्सिबिलिटी, एब्रेजन रेजिस्टेंस एंड मॉइस्चर अब्सॉर्प्शन, तो मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है, जो एक अच्छी खूबी है किसी भी एडहेसिव की। गिव लेस ब्रेकेज विद लो साइज परसेंटेज, ठीक है जी, लो साइज परसेंटेज पे ब्रेकेजेज इसकी कम होती हैं, ज़्यादा साइज परसेंटेज नहीं रखनी पड़ती हमें। कीप लो ह्यूमिडिटी विद पीवीए, पॉलीमराइजेशन डिग्री ऑफ पीवीए यूज्ड फॉर साइजिंग इज 1000 to 2000 पीवीए विद पॉलीमराइजेशन डिग्री ऑफ 1700 इज यूज्ड फॉर कॉटन एंड पॉलीकॉटन यार्न। जो पीवीए जिसकी पॉलीमराइजेशन डिग्री 1700 हो वो कॉटन और पॉलीकॉटन यार्न के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है जी एक्रेलिक पॉलीमर्स, इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ एक्रेलिक एसिड और एक्राइलामाइड, अवेलेबल इन पाउडर फॉर्म प्योर और इन लिक्विड फॉर्म मॉडिफाइड फॉर्म। तो जो प्योर इसकी शेप है वो पाउडर फॉर्म है, और अगर आपको लिक्विड फॉर्म में चाहिए हो तो वो इसकी मॉडिफाइड शेप है, ठीक है, यानी कि इसको मॉडिफाई करके लिक्विड फॉर्म में तैयार करके दिया जा सकता है। सेंसिटिव टू हीट, ईजीली डिसाइड, ये हीट सेंसिटिव होता है, ठीक है, और डिसाइडिंग इसकी ईजी होती है। लेस एडहेसिवनेस फिल्म स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी देन पीवीए, तो पीवीए की नस्बत इसकी जो स्टिकनेस है, एडहेसिवनेस है और फिल्म स्ट्रेंथ है वो कम होती है, ठीक है, तो पीवीए ज़्यादा बेहतर है इसकी नस्बत। इम्प्रूव्स बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ साइडियान, साइडियान की बेंडिंग स्ट्रेंथ को ये बेहतर बनाता है। मोस्ट कॉमनली यूज एक्रेलिक्स आर साइज सीबी, साइज सीटी, पॉली साइज एंड AR100। मॉइस्चर इन एक्रेलिक्स रेंज इज फ्रॉम 70 to 75%, जो वेट फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में होंगे उसमें 70 से 75% मॉइस्चर होता है और बाकी जो है सॉलिड कंटेंट्स होते हैं मटीरियल।
अब ये पॉलीसाइज है, ये पाउडर फॉर्म में, बैग्स की फॉर्म में आता है। अगर ये लिक्विड फॉर्म में आएगा तो ये कैंस में आता है, ठीक है। जो आप कैंस में देखेंगे कि ये लेटिनुमा होगा, क्योंकि इसमें 70 से 75% मॉइस्चर होता है, वाटर होगा। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं, ठीक है, मतलब पीवीए की, स्टार्च की, सीएमसी की और एक्रेलिक की, कि इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है और इलॉन्गेशन परसेंटेज कितनी होती है। हम देख सकते हैं पीवीए की 7,000 से 15,000 है, जो सबसे ज़्यादा है, और इलॉन्गेशन 100 to 150%, ठीक है। इस तरह पीवीए के बाद सीएमसी की है, देन एक्रेलिक की है टेंसाइल स्ट्रेंथ। लुब्रिकेंट्स एंड सॉफ्टनर्स। अच्छा, सबसे पहले हमने साइजिंग इंग्रेडिएंट्स इंग्रेडिएंट्स में पढ़ा एडहेसिव्स, और नंबर दो पे हैं जी लुब्रिकेंट्स एंड सॉफ्टनर्स, ठीक है। द पर्पज ऑफ लुब्रिकेंट्स एंड सॉफ्टनर इज टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड एब्रेजन बिटवीन एडजेसेंट यार्न्स, बिटवीन यार्न्स एंड रीड हेडल्स ड्रॉपर्स एंड शटल। तो इनका पर्पज क्या होता है कि ये जी फ्रिक्शन और अब्रेजन को कम करें, ठीक है, दो धागों के दरमियान, या धागे और रीड के दरमियान, हेडल्स के दरमियान, ड्रॉपर्स के दरमियान और शटल में, ठीक। तो जहाँ जहाँ जिस जिस पार्ट से भी यार्न ने टच होना है, गुजरना है, उसके साथ यार्न की फ्रिक्शन कम से कम हो। इससे क्या होगा कि फ्रिक्शन कम होने से जब यार्न स्मूथ होगा, सॉफ्ट होगा, तो उसकी ब्रेकेजेस कम से कम होंगी, ठीक है। दे आल्सो गिव अ सॉफ्ट हैंडल टू द वार्प एंड साइज फिल्म। तो जो धागे होते हैं उसको बड़ा सॉफ्ट सा ये एक टच भी देते हैं। एंड टू डिक्रीज द ब्रिटलनेस, और उसकी ब्रिटलनेस नहीं, उसमें यानी कि अकड़ाव जो होगा उसको भी कम करने में लुब्रिकेंट्स एंड सॉफ्टनर्स फायदा देते हैं। एंड टू डिक्रीज द ब्रिटलनेस ऑफ द फिल्म थ्रू प्लास्टिसाइजिंग इफेक्ट। अगर तो ये ऐड नहीं करेंगे तो ब्रिटलनेस होगी यार्न के अंदर, और यार्न ब्रेक करने के यान के चांसेस ज्यादा हो। प्रॉपर्टीज इनकी, टू मेक द यान सॉफ्ट एंड प्लाईएबल, यान को सॉफ्ट और प्लाईएबल बनाया जाए। प्लाईएबल मीन्स कि यान को बेंड किया जा सके उसको इजीली, और बेंड करने पे उसमें क्रैक्स ना आए। टू मेक द यान सरफेस स्मूथ एंड यूनिफॉर्म, यान की सरफेस स्मूथ और यूनिफॉर्म बनाया जाए। टू इंक्रीज द पेनिट्रेशन ऑफ साइज लिकर इनटू द यान, साइज लिकर जो है, जो साइजिंग रेसिपी है, उसको यान के अंदर पेनिट्रेट कराने में आसानी प्रोवाइड करने के लिए भी ये डाले जाते हैं, ठीक है। इनके डालने से वो यान की बॉडी के अंदर इजीली पेनिट्रेट कर जाते हैं। जब पेनिट्रेट बॉडी में करेंगे तो स्ट्रेंथ अच्छी होगी यान की, सिर्फ सरफेस पे नहीं रहेंगे। टू इंक्रीज द मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन इन द यान, यान के अंदर मॉइस्चर अब्जॉर्ब करने की सलाहियत भी ज़्यादा करने के लिए लुब्रिकेंट्स एंड सॉफ्टनर्स यूज किए जाते हैं। जब यान मॉइस्चर को अपने अंदर होल्ड करके रखेगा, मसलन कॉटन है, 8 से 8.5% उसके अंदर होना चाहिए। अगर वो उतना मॉइस्चर रखेगा अपने अंदर तो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी। अगर वो ड्राई रहेगा, मॉइस्चर होल्ड करके नहीं रखेगा, तो स्ट्रेंथ अच्छी नहीं रहेगी, फाइबर अलग अलग होंगे और ब्रेकेजेस जल्दी होंगे। इट इज़ यूज 5 to 10% ऑन द बेसिस ऑफ एडहेसिव, ये 5 से 10% यूज़ किए जाते हैं एडहेसिव्स की बेसिस के ऊपर। मसलन एडहेसिव है स्टार्च, अगर स्टार्च मैं एक रेसिपी में 100 kg डालूंगा तो ये उसका 5 से 10% डालूंगा, मसलन 5 kg या 10 kg लुब्रिकेंट्स और सॉफ्टनर में डालूंगा। अगर स्टार्च में डालूंगा जी 50 kg तो ये 50 kg उसका 5% बनेगा 2.5 kg, और अगर 10% डालना हो तो ये 5 kg बनेगा। तो इस लिहाज से इसको लुब्रिकेंट्स एंड सॉफ्टनर्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में बाकी हम साइजिंग इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।